ये प्रेजेंटेशन दरअसल पांडुरंग हेगड़े जी को करना था, वो नहीं है यहाँ पर, तो उनके भी हाथ में मैं इस प्रेजेंटेशन को कर रहा हूँ। इसमें काफ़ी डिस्कशन हुआ था, वैसे परसों से हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं और निश्चित है काफ़ी गहरा डिस्कशन हमारा इसमें रहा। उसको शायद 4-5 मिनट में पूरा कर पाना वो मेरे लिए तो काफ़ी कठिन होगा। कुछ चीज़ें छूटेंगी भी, तो ग्रुप में जैसे सिन्हा जी थे, श्रीपद जी थे, तो अगर इसमें मेरे बात कुछ छूट जाए चाहिए तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसको प्लीज छोड़ें। ये बात तो पूरा ग्रुप मान रहा था कि ऐसी शायद ही कोई नदी हो हमारे देश में बची हो जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन का शिकार ना हो। हो सकता है जहां पर हम नहीं पहुंच पाए हैं, लोग नहीं पहुंचे हैं, शायद वही अपने नेचर में या नेचुरल रूप में बची हुई है रिवर। लेकिन ये भी था कि अब हम ये मानते हैं कि जैसे डैम है, बैराज है, हाइड्रो पावर्स हैं, माइनिंग है, फिशिंग है, यहाँ तक कि डिस्चार्ज है, इन सब में हम किस डिग्री को ये माने कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेड है। क्योंकि हम ये भी कह रहे हैं कि ठीक है टीरी जैसा डैम है, मानते हैं कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, लेकिन अगर किसी छोटी स्ट्रीम में हम चेक डैम, स्टाफ डैम उसकी भी बात करते हैं, अगर उसको बना दिया जाए तो क्या वो फ़ायदे के लिए? ये तो कहते हैं हम कि चेक डैम, स्टाप डैम जो हैं वो रिचार्ज का भी काम करते हैं, वो काफ़ी फ़ायदे के लिए, लेकिन काफ़ी जगहों पे ये भी देखा गया कि जो छोटी नदियां हैं, छोटी स्ट्रीम है, सेकेंड आर्डर, थर्ड आर्डर की स्ट्रीम है, उनमें अगर कहीं स्टाप डैम बना दिया गया है तो पूरा उसकी रिवर की जो प्रोफाइल है, जियो मार्फोलॉजी है, वो भी चेंज उसमें हुई है। इसी तरह से माइनिंग का भी इशू था कि माइनिंग के कारण काफ़ी हैबिटेशन, रिवर की पूरी प्रोफाइल, बायोडाइवर्सिटी, ये सब चीज़ें तो उससे चेंज होती हैं, लेकिन कितनी माइनिंग अलाउ है? क्या हम उसको ये कहें कि नहीं कोई उसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं यूज़ होंगे? तो इन सब चीज़ों में काफ़ी कंट्रोवर्सीज थी और काफ़ी इशूज़ थे कि किस डिग्री को हम ये कहें कि नहीं इस इसमें। जैसे सिन्हा साहब का एक पॉइंट था कि पहले जब अंग्रेज़ों ने हरिद्वार से बैराज निकाली और उसका कैनाल में, गंगा कैनाल में पानी, तो उस समय पर यह था कि 8% वहां से पानी हम डाइवर्ट कर सकते हैं, नरोरा से 7% कर सकते हैं, लेकिन आज वो 90% हो रहा है, निश्चित ही उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसमें फिर ये हुआ कि पहले हम ये देखें कि वास्तव में जो रिवर की नेचुरल सर्विसेज हैं वो क्या हैं, फिर उनमें किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है और किसको हम ओवर एक्सप्लॉयटेड कह सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डेफिनीशन के रूप में कोशिश की गई है। तो निश्चित रूप से हम एक सोर्स के रूप में तो रिवर को देखते हैं, ये नज़रिया है कि हम उसको एक रिसोर्स मानते हैं और वहाँ से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पानी निश्चित रूप से, फिर इसकी बायोडाइवर्सिटी, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल, सैंड एंड सिल्ट के रूप में भी रिसोर्सेज के रूप में रिवर को हम देखते हैं। एस्थेटिक, स्पिरिचुअल, कल्चरल एंड रिलीजियस वैल्यूज है उसकी, अपनी उसकी नीड के उसमें देखते हैं। रिवर सिस्टम रिसोर्सेज जैसे वेटलैंड है, हैबिटेट है, फ्लडप्लेन एज ए फर्टाइल लैंड, वो सब हम रिसोर्सेस और सिल्ट और उसके रूप में देखते हैं। रिवर रिलेटेड लाइवलीहुड है, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर ऑन रिवर बैंक है, फिशिंग है, टूरिज्म भी है छोटा, उसको भी हम उसमें देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन एंड नेविगेशन के रूप में भी रिवर को एज ए रिसोर्स के रूप में ही देखा जाता है। सेल्फ एसिमिलेशन कैपेसिटी, जो हम ये कहते हैं कि डिस्चार्ज के रूप में वो कहाँ जाएगा, जैसे सीवेज डिस्चार्ज की भी बात हो रही है इसमें, हम ये मानते हैं कि ठीक है जो हमारे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रेगुलेशन भी हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट करके और उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है रिवर में, लेकिन क्या वास्तव में उसकी एसिमिलेशन के लिए इतना रिवर में वाटर है? अपना स्टैंडर्ड तो ठीक है, इंडस्ट्री है या सीवेज है, वो अपना स्टैंडर्ड तो मीट कर रहे हैं, लेकिन उसको एसिमिलेशन के लिए उतना पानी भी तो उस पर होना चाहिए रिवर में, तो वो भी हम एक तरह से उसको वो कर ही रहे हैं। ग्राउंड वाटर है, घराज जो माइक्रोहाइड्रल पावर हैं छोटे छोटे, वो भी एक रिसोर्सेज के रूप में हम ये देखते हैं। तो वास्तव में फिर हम जब इतने ये सब सारे रिसोर्सेज हैं तो हम किसको ये कहें कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेशन क्या है? उस तो हमें पूरी तरह से रूप से दिखता है, लेकिन उसकी डिग्री क्या होगी? तो ये एक थोड़ा सा एक डेफिनेशन के रूप में कि स्टेट ऑफ रिवर वेयर लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिविटी, ये रिवर की लॉन्गिट्यूडनल जो कनेक्टिविटी है अगर इस पर कोई इम्पैक्ट आ रहा है, लैटरल कनेक्टिविटी विद फ्लड प्लेन से है, रिवर वैली से है, एंड वर्टिकल कनेक्टिविटी सब सरफेस वाटर के साथ, अगर ये उस किसी भी रिवर की टूटती है किसी भी एक्टिविटीज़ के कारण, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन वो हो रहा है। फिर एनी यूज दैट गोज बियॉन्ड द बेसिस नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रिवर एंड राइवेरियन कम्युनिटीज आर निगेटिवली अफेक्ट देयर बेसिस नीड्स, अगर इसमें किसी तरह का इम्पैक्ट आता है तो हम उसको ये कह सकते हैं कि ये ओवर एक्सप्लॉयटेड हो रही है रिवर।
फिर इसके इम्पैक्ट ओवर एक्सप्लाइटेशन के क्या हैं, तो निश्चित है कल से जो चर्चाएं, परसों से जो चर्चाएं, वो सब हम इम्पैक्ट, और अगर ये इम्पैक्ट नहीं होते तो शायद हम यहाँ पर इकट्ठे भी नहीं होते। तो ड्राइंग ऑफ रिवर, इम्पैक्ट ऑन स्पिरिचुअल कल्चरल वैल्यू, बायोडाइवर्सिटी, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, इंक्रीजिंग सैलिनिटी, वो चाहे इरीगेशन से हो, डायरेक्ट रिवर से हो, या ग्राउंड वाटर के माध्यम से जहाँ ओवर यूज के कारण है सैलिनिटी की प्रॉब्लम है, लॉस ऑफ सॉयल फर्टिलिटी, एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अब ये एग्रीकल्चर एक थोड़ा सा ऐसा इशू है कि ये दोनों तरह से, एक तो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है तो एग्रीकल्चर भी रिवर में इम्पैक्ट डाल रहा है, एक्सट्रैक्शन की बात है जो हम डाइवर्ट करके पानी, अब जो गंगा कैनाल है, खासकर अगर गंगा में हम माने तो सबसे वाला जो कल्प्रिट अगर गंगा के लिए माना जा सकता है तो ऊपर डैम, रिजर्वायर, बैराज, हाइड्रो पावर ये तो है ही, हरिद्वार से पूरा का पूरा जो 95% पानी जो उसका पूरा डाइवर्ट कर दिया जाता है तो गंगा वहीं से लगभग डेड हो जाती है। तो दोनों तरह की वो चीज़ें हैं, डिस्टर्बेंस इन वाटर साइकिल, लेस डिस्चार्ज टू द सी, अफेक्टिंग लाइवलीहुड ऑफ द कम्युनिटी, एल्टर्ड इकोसिस्टम, डिसरप्टिंग फ्लोरा एंड फाउना, पॉल्यूशन, डिग्रेडेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, कोस्टल इरोजन है, न्यूट्रिएंट साइकिल का चेंज होना है, एंड बहुत सारे हेल्थ और एनिमल में जो इसके इम्पैक्ट है। तो ये छोटा सा हम लोगों का वो रहा है प्रयास, और लास्ट में यही निकला कि ये सब किसके कारण से ये चीज़ें हो रही हैं, तो निश्चित है लैक ऑफ होलिस्टिक प्लानिंग, ये ऊपरी उस पे तो कहा जा सकता है उसका कि ये सब जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसके कारण आ रही हैं। और दूसरा ये है कि जो महात्मा गांधी जी ने कहा भी था कि ये जो भी नेचुरल रिसोर्स है, खासकर जो रिवर भी है, वो नीड तो पूरी कर सकती है लेकिन शायद हमारी ग्रीड को पूरी, और आज हम उसको एक ग्रीड के रूप में ही देख रहे हैं। थैंक यू। एक सवाल लेने के पहले, क्योंकि मैं इस ग्रुप का था तो एक दो पॉइंट्स मैं जोड़ना चाहता हूँ। जो एक आप दो तीन स्लाइड पीछे जाइए जिसमें वो डेफिनेशन लिखा था, हाय ये जो है थोड़ा एक मैं करेक्शन बताऊँगा। दूसरा वाला जो है, एनी यूज दैट गोज बियॉन्ड द बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिवर्स एंड रिपेरियन कम्युनिटीज, उसमें जोड़ना पड़ेगा विदाउट फर्स्ट फुलफिलिंग दीज नीड्स। मतलब हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ नदी कचार के जो लोग हैं उन्हीं की नीड्स फुलफिल करनी चाहिए, उसके आगे जो भी है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है, ऐसा नहीं हम कह रहे हैं, लेकिन उनकी ज़रूरतें पूरी किए बिना और आगे की अगर ज़रूरतें पूरी करने आप जा रहे हैं तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन की शुरुआत होती है। सो एनी यूज़ दैट गोज बियॉन्ड द बेसिक नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रिवर एंड द रिपेरियन कम्युनिटीज विदाउट फर्स्ट एड्रेसिंग दोज नीड्स, ये एक वहाँ पर शब्द शायद छूट गए हैं, तो वो मैं कहना चाहता हूँ। और एक वो लास्ट वाली स्लाइड में जो है, आपने जो गांधी जी का कोट दिया है वो सही है। मतलब हम लोग ये कहना चाहते थे कि किसी भी तरह के नदी के ओवर एक्सप्लॉयटेशन को हम जब तक हमारी ज़रूरतें, हमारे डिमांड्स नहीं देखते हैं तब तक हम उस ओवर एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस नहीं कर पाएंगे। वी वोंट बी एबल टू एड्रेस ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द रिवर्स अनलेस वी एक्चुअली लुक एट व्हाट वी आर डिमांडिंग फ्रॉम देम। तो ये एक जो है पॉइंट हमारे इसमें महत्व का आया था। आप बता दीजिए। यस या विल कम टू द अदर कमेंट बिफोर, लेकिन ग्रुप में से जो है उनका अगर कुछ ऐड करना हो आप बता दीजिए। सिन्हा जी, ये जो नदी का द बॉडी ऑफ द रिवर में बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है उसके फ्लो, एडिक्वेट फ्लो का, हम लोग सभी लोग मिनिमम फ्लो, एक मैडमल फ्लो ये बोलते हैं, बट वी हैव नाउ इंडक्टेड इन द सुप्रीम कोर्ट कॉन्सेप्ट ऑफ एडिक्वेट फ्लो, क्योंकि एडिक्वेट फ्लो में और भी चीज़ें जो नदियाँ करती हैं, व्हाट द रिवर डज, फॉर इंस्टेंस इट रिचार्जेस ग्राउंड वाटर यूजिंग सर्टन साइंटिफिक पेपर्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, इट इज़ नाउ एस्टेब्लिश्ड दैट एटलीस्ट 70% ऑफ द नेचुरल फ्लो ऑफ द रिवर should be there for adequate recharge of the groundwater, which is one of the most important functions of the river. So adequate flow of 70%, nothing less than 70% should be accepted. Actually, we should put down 75, okay. Then they will come. The British, as I was saying, British have reduced it to 15 withdrawals. Yes. Only 15% was withdrawn. And then, as you rightly pointed out, 95, yes, which has gone down to 95 now. But we must have adequate flows of about 70 to 75%. The level of pollution which was mentioned last time, actually they
द गवर्नमेंट सेज दैट ब्रिंग डाउन टू ब्यूटी ऑफ 30, तो ठीक है, तो इसीलिए मैंने लास्ट सेशन में मैंने मेंशन किया कि इट शुड बी 10 नॉट 30, बिकॉज 30 से रिवर्स ओन कैपेसिटी टू रीक्लीन इटसेल्फ विल वर्क ओनली इफ इट इज डाउन टू 10% ब्यूटी 10 ब्यूटी. And of course, the Central Water Commission has put out very wrong concepts, saying that we don't need to, we can take away all the fresh water from the rivers, virtually send them dry to the sea, and we shouldn't allow any silt to go down to the sea. I mean, in other words, justifying the barrages where all the silt movement is stopped. This has very, very harmful effects, very harmful effects. If you do holistic planning, then if you don't send down fresh water, you will have a very weak monsoon. You will impact the entire monsoon cycle of the country, which is, so therefore it's a very wrong concept and should not be allowed. Similarly with silt, if you don't allow the silt to go, your tidal waves will keep on destroying your coastal areas. When there is silt, it actually impacts, makes it compact. Compacting of the coastal area takes place. Since I have served in the coastal area, I know about it. And I believe we have lost something like 300 square kilometers of coastal area, which is much more than what an enemy attacking with military power has taken from the country. So we should not destroy ourselves. Thank you. There are two points I want to add. One is unregulated divergence of river, जो एक बहुत बड़ा concern है. तो ये एक छोटा सा point है जिसको elaborate आप समझ सकते हैं. दूसरा point है कि overall exploitation के बाद में जो वहाँ का local weather change है और say microclimatic change, climate बहुत बड़ी term होगी, मैं microclimatic changes की कह रहा हूँ, और जिसका रिलेवेंट डाटा गैदर भी किया जा सकता है, हुआ भी होगा. लोकल वेदर चेंजेस एक बहुत बड़ी समस्या जो रिवर एक्सप्लोइटेशन के साथ जुड़ी हुई है, जो फर्दर उस एरिया के अंदर रिचार्ज की प्रॉब्लम को बहुत बढ़ा देती है. एंड कल भी मैंने पॉइंट किया था और यहाँ पर भी वही चीज़ आती है कि जो दूसरी लोकल वेदर कंडीशंस के कारण, चेंजेस के कारण, माइक्रोक्लाइमेटिक चेंजेस के कारण वहाँ जो दूसरी तरह का बायोलॉजिकल इन्वेजन होता है, तो उस एरिया के टोटल रिचार्जिंग पैटर्न के अंदर, क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर, लाइवलीहुड के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. तो थोड़ा सा लोकल वेदर वेदर चेंज एंड माइक्रो क्लाइमेटिक चेंजेस अगर इसमें ऐड हो तो बहुत अच्छा होगा. थैंक यू. रिवर कम्युनिटीज में क्या दिल्ली और कानपुर भी रिवर कम्युनिटी में आएंगे? That's one kind of question. I'm not clear what that means. Secondly, this it still locks in the thing of needs and requirements. तो क्या river need और requirement में ही फंसी रहेगी? River का कोई अपना need and requirement नहीं होता. It has no identity beyond that serving the needs. River's need, river की अपनी need भी है. Needs are depend of rivers. पहले rivers की है need. इसके बाद फिर राइफरियन नीड, सेकंड में है राइफरियन का रिक्वायरमेंट. रिवर्स आई रेड इट एज रिवर्स कम्युनिटी, रिवर कम्युनिटी, रिवर्स एंड राइफरियन कम्युनिटी. अच्छा, तो व्हाट अबाउट द बिग अर्बनाइजेशंस? ओके, कपल ऑफ पॉइंट्स. A couple of points on which we couldn't have a more detailed discussion on why the over-exploitation, or understanding what the politics of the over-exploitation is. Because we only put lack of holistic planning, but there was a discussion in the group about the current profit-driven, commercialized growth model which is leading to this. And also the complete failure of the existing regulatory institutions that exist, the failure of the Ministry of Environment and other bodies to do its job of regulating and monitoring the resources. And the third very important thing is the
you know, the taking away of control from riparian communities and riparian, I mean, we need to debate the who the riparian communities is, but that there is no consent or no democratic process where riparian communities are giving consent to projects that are actually over-exploiting the river. So they have no say in the policy-making process. So unless, or even in the conservation or, you know, I mean, ownership at large, but conservation, regulation, monitoring of what is happening. So there is an alienation like there is of communities from other resources. There is an alienation from the rivers also that is happening. And that is a big issue that we need to kind of look into when we are talking about the politics of over-exploitation. So I just wanted to bring that in. Yeah, it's very much what Mansi expressed, you know, it's more about, I also feel that, okay, there is this is a list of how we over-exploit, but then we, not necessarily we, but sorry. Yeah, but then I agree with the politics part, you know, at some point of time it will be good if how the state or, you know, or those stakeholders with it is partnering with to over-exploit, you know? But then also, it's also important to put the responsibility on not necessarily all the community, but then certain section of the community again, you know, with as to how the state facilitate, you know, certain communities to also over-exploit, you know, certain resources, you know? So that accountability, responsibility part, I think at some point in time, it's good that we clearly demarcate all those aspects, you know, so that we can come up with clear recommendation, you know, some so that we can find a way or strategize forward. You know? Otherwise, like just coming up with a list of how we, what are the train of over exploitation, I think it also gives a very incomplete picture of, you know, yeah, and yeah. Ultimately, we have to respond, you know. So yeah, that's it. Thanks. Yeah, actually, jo person Ravi ji ne uthaya hai, usi mera bhi usi person se. I have doubt and I need further clarification on that issue. When we talk about the needs of the riparian communities. Okay, so since how to define the basic needs of the riparian community? If the farming and the irrigation is considered as basic need of the riparian community, small rivers which are part of a big rivers are entirely being diverted to the fields of the riparian community in the interior region of Himalaya, from where I belong. No. So similarly, if we consider the drinking water, the basic needs of riparian community, the entire water from small streams has been shifted to our bathrooms and toilets in the name of basic needs. So I think it needs further discussion, further clarification, the term basic needs of the riparian communities. I think I'm going to stop the discussion on this group because we only have 20 minutes left and one more group. Very quickly, if you want to answer this, on behalf of the group. On behalf of the group. Your needs need not be met by extraction only. If you allow adequate flow and your recharge of groundwater is taking place, as I quoted Mississippi and Missouri, they don't have barrages and canals taking it to the field. And it is the biggest producer of food, the United States. They just make sure that the groundwater is being properly recharged. Beautiful, full rivers of Mississippi and Missouri. And all you require is 70% flow. Let it be 70 to 75% of the natural flow, and you will get water for the farmers where the farm is. Just bore a hole. Thank you. Actually, I should also say, add that, as Manshi has mentioned, that was an aspect which was not discussed in detail in the group, so that requires to be discussed. What exactly constitutes a riparian community? 2 kilometers from the river, 5 kilometers from the river, 10 kilometers. Basic needs, how they will be calculated. So it's an issue which also I think all of us need to pay attention to, and we obviously, because of lack of time, could not go into the details, but it's an important issue, so we can all take it up forward.